हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है और इसके बाकी जो क्वेश्चन है इसकी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाके वहाँ पर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का और, है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी देखिए 2021 के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं 10 के, तो आपने भी ये PDF ऑलरेडी निकाल चुकी हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने इसके PDF के साथ में इसकी आंसर शीट भी दे रखी है। ठीक है, तो आंसर शीट में आप इसके आंसर उसके आंसर को कंपेयर मत करना, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। बिकॉज वहाँ पे आपको जो आंसर दे रखा है उसमें आपको 3A(x)² के कोडिंग दे रखा है ना, और यहाँ पे पेपर में आपको 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर ऑब्वियसली बात है डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे 3 है और यहाँ पे 30 दे रखा है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्वेश्चन कोई भी आए हम कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि यदि हमको आता है क्वेश्चन करना तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x²-6x+1=0 हैज नो रियल रूट्स। आपको क्या बताने, कौन सी ऐसी वैल्यू है ए की जिसके लिए इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। देखिए नो रियल रूट्स के लिए देखिए इजी है काफ़ी, ऑलरेडी हम नो रियल रूट्स के लिए चीज़ें पढ़ चुके हैं। नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, उसमें जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है जीरो के। ठीक है, तो देखिए लेस देन जीरो डी क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डी यानी कि p²-4ac<0। देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या क्या दे रखी थी यहाँ पे, यदि इक्वेशन देखते हैं तो 30x²-6x+1=0। देखिए यदि हम इसमें वैल्यू देखें तो देखो यहाँ पे हम देखा बी की वैल्यू कितनी दे रखी, -6, तो हमने बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -6²-4। अब 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30a। ठीक है, पूरी पुट करेंगे हम 30a हमारी, देन उसके बाद में c इंटू ये 1 हो गया और ये लेस देन 0 हमने रखा। देखिए 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया, -4 3 12, 0 का 0 a, 1 के साथ इंटू करेंगे तो वही आएगा लेस देन 0। अब देखिए अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू निकालने, तो माइनस वालों को इधर ले आते हैं, तो 36 लेस देन ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 120 है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फिर यहाँ से इसको यदि कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 1 12, 0 का 0, और 12 3 कितना होता है, 36, तो हमारे पास 3/10, यानी कि ए की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी, 3/10। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 3/10। ठीक है,